डेफिनेटली बिकॉज वो पिक्चर के लिए बनाए जाते थे, वो टेलर मेड थे फॉर द फिल्म, वो सिचुएशन सोच के बनाए जाते थे. ये अभी रैंडम हो रहा है कि गाना बना लिया कोई भी सिचुएशन और फिर किसी को पसंद आ गया तो पिक्चर में आमतौर पर ये हो रहा है. यू नो वेरी स्ट्रिक्ट फिल्म मेकर्स डोंट डू दैट. ओके सो अभी तक कितने सारे गाने हैं जिस 135 145 सॉन्ग आपने किए हैं बैकग्राउंड स्कोर्स ऑफ फिल्म्स. हां सो आपको कौन सा फेवरेट गाना था? द बेस्ट फिल्म ऐसे तो हमारे कोई भी काम को हम ऐसे नहीं बोल सकते बेस्ट बिकॉज इट्स अनफेयर टू ऑल द अदर वर्क्स बिकॉज ऐसा लगेगा इस पर मैंने जान लगा के काम किया था बाकी पे नहीं किया था ऐसा नहीं. बट हम लोग एक पिक्चर को जीते कुछ वक्त के लिए उस वक्त के लिए वो पिक्चर सबसे चैलेंजिंग और वो इम्पोर्टेंट. तो फिलहाल अभी जो ख़त्म करा है केसरी तो अभी फिलहाल मैं बोलूँगा अभी दैट रन्स इनटू माय माइंड बिकॉज वाकई में एक बहुत डिफरेंट काम फिल्म थी जहाँ पे इट्स अ वॉर बैटल क्राई बोलो बैटल फील्ड वो सब और हमें पूरा ध्यान रखना था कि वॉर बैटल फील्ड धार धार यू नो बुलेट्स ये सब गन्स उसमें व्यूअर को बहुत नॉइजी नहीं होना और हम म्यूज़िक भी डाल रहे हैं तो हमने कोशिश ये की थी द डायरेक्टर हैड इन माइंड कि इसमें म्यूजिकल प्ले करें सो दैट जहाँ पे सिर्फ हमें गन शॉट्स ये सब लाने तो कई किसी किसी जगह पे जट आउट अदरवाइज कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा. तो म्यूजिक आप लंबा सुन सकते हैं लेकिन ऑल दोज इफेक्ट्स ज़्यादा देर सुनने पे नॉइज बनता है. तो दैट वाज अ वेरी स्मार्ट मूव फ्रॉम हिज एंड दैट म्यूजिकल ज़्यादा प्ले उस पर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है अब हर जगह म्यूजिक सही लगे कॉन्स्टेंटली चालू रखना. वैसे हो सकता है कि कुछ कुछ लोग देखें तो उनको लगे म्यूजिक बहुत ज़्यादा है या ऐसे बट एक टास्क था ऐसी फिल्म को व्यूइंग के लिए कंफर्टेबल बनाना तो वो एक टास्क लेते हुए आई थिंक अच्छा म्यूजिकली करके उसको पूरा इमोशनल कर दिया मतलब इमोशन बेस्ड कर दिया अ वॉर फिल्म को विच फाइनली वर्क्ड. सो आई गेस इस समय पे तो मैं कैसे कहूँगा मतलब डिफिकल्ट कितना होता है मतलब हम ऐसे इस तरीके की एक्शन मूवीज करते हैं और डायरेक्टर्स के भी अलग अलग डिमांड होते हैं मूवीज को लेकर तो डिफिकल्टीज कितनी हो जाती है एज अ बैकग्राउंड स्कोर. एज अ बैकग्राउंड स्कोर एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप जो कर रहे हैं आप अच्छे भले वेल थॉट सीन वेल शॉट सीन वेल एडिटेड सीन की धज्जियाँ उड़ा सकते हो यू नो वो बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है. yes, exactly. और वही एक कर करके एक्सपीरियंस कर करके एक नैक आता है जैसे हम साइकिल आज साइकिल चलाए सोचते सोचते या गाड़ी चलाए बॉडी सिस्टम है तो वो आस्ते आस्ते वैसे बात बनती है कि आप जो भी करो वो आपको पता है क्या नहीं होना चाहिए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो डिफ़िकल्ट गए हैं बट आई थिंक मुझे कर करके ही होता है बट इट्स अ डिफरेंट आर्ट फॉर्म. बैकग्राउंड स्कोर करना एक गाना करने से एक डिफरेंट आर्ट फॉर्म है और दोनों अपनी अपनी जगह में एक अपनी अपनी अहमियत रखते हैं. बैकग्राउंड स्कोर का एक ही पॉसिबली डाउनफॉल है इंडिया बोलेंगे तो जो बैकग्राउंड स्कोर होता है वो सिर्फ फिल्म तक सहमत रह जाता है वो रिलीज़ नहीं होता बहुत कम हुआ है. और गाने तो फिल्म की पहचान बनते हैं पहले उससे पहुँचाई जाती है फिल्म लोगों तक तो वो उसका प्लस पॉइंट है. तो जाते जाते दो लाइनें तो ऑलरेडी तीन गुनगुना दी और कोई सॉन्ग जिससे मैं मेरा एक टेलीविजन सीरियल का एक थीम था खाली मैंने माही वर्ड यूज़ किया था और वो बहुत पॉपुलर हुआ है और